एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब मस्त और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर में। तो ये टाइम है सुबह का और ये शुरू की क्लिप है। ये है शनिवार की, जिस दिन हमने एसी की सर्विस कराई थी। और बाकी की बारिश की जो क्लिप आपको देखने को मिलेगी वो है रविवार की, बाकी है शनिवार की। तो 2 दिन की वीडियो है, तो डेट और दिन मैं नहीं बता रही हूँ आज की वीडियो में। तो प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करें। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। टाइम 2 बज गए हैं, पूरे 2 बजे हैं और 3 दिन बाद आया है पानी। और ये देखो बस अब तो भरने वाला है और बिल्कुल भी बिल्कुल जो बोलते हैं ना मंदा मंदा वो पानी आया है। ये देखो और इधर रख रखे एक टब, ये टब में बदले हूँ, कपड़े धोने हैं तो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। 3 दिन से बहुत ही ज़्यादा समस्या चल रही है पानी की, बहुत ज़्यादा। खेतों की लाइट नहीं आ रही और एक हेल भरी हुई है। दूध हो गया है बढ़िया गर्म और अब सुबह से ना तो पशुओं ने पानी पिया है और ना नहाए बेचारे, तो अब पानी आया है तो अब ये बैठे हैं। थोड़ी बहुत देर में खड़ी होएगी भैंस जब इसने पानी पियाऊंगी। और 3 दिन बाद चली है मशीन, ये देख लो। इसमें भी बाल्टी भर भर लेकर आई हूँ पानी, नाली लगा रखी है और इस नाली नहीं करूँगी साफ, या झाड़ू है तो इसने साफ करूँगी। और बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है बहुत ही ज़्यादा पानी की। और जब किसी चीज़ की, और ये देखो ये दिखाऊँ दी की, जब मेरे याद आ गई ये डोरी, खेतों की लाइट ख़राब हो रही है हमारी तो वो ठीक कराने के लिए यहाँ से लेके गए हैं डोरी। कोई टुकड़ा ख़राब हो गया जो खंभा पे तार जुट रहा है उसका, तो लेके गए हैं, बिजड़े वाले लगे हुए हैं। तो अगर खेतों की लाइट आ गई तो टंकी भर जाएगी। इस टंकी में हमारे में बिल्कुल पानी नहीं है बिल्कुल भी, ये बनवाई हुई है यहाँ तो पानी इसमें ठंडा रहता है लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। 3 दिन से पानी आया ही नहीं तो पानी कहाँ से मिलेगा। और इधर पशुओं का चारा है, भैंस पाटी अपना आराम से बैठी है, ये देखो। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ काम, अब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि भाई काम करना है जल्दी जल्दी। सारा पोचा भी रह रहा है रसोई का और बरामदे का, क्योंकि पानी ही नहीं था, बिना पानी किस तरह पोचा लगाऊं। अब पानी आया है तो पहले पोचा लगाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर हेल घेर कहूंगी और फिर नहाऊंगी और मिलूंगी इतनी देर में योगी भी आ जाओगी बाद में ही आप सबसे। रोबजा पी लो सब। बोल भाई। छोटू भाई तेरी उम्र कितनी होगी? हाँ 19 साल। फिर पढ़ा ना क्यों? या तो पढ़ने की उम्र है? बारीक पेपर दे रखे? अच्छा। भाई यो तो सारी उम्र करनो से कोई धंधो ना मिले को, यो ना तो और कोई करनो तो सही। और पढ़ाई का दे खराब ना जाए, पढ़ ले छोटू। और 5-4 साल पीछे फिर घर का भी ना कहेगा पढ़ने की? भाई घर का भी कहेगा भाई पढ़ ले पढ़ ले। 5-4 साल पीछे तो यही ना कहेगा, यही कह देगा भाई कमा ले।
काम कर अपने। तो ऐ उम्र में तूने गलत लाइन पकड़ ली भाई, या तेरा पढ़ने का दिन से अपने पढ़।